नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होने से कोई भी महिला चिंतित हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना कंसर्न हमें बता सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें, हो सकता है कि आपके सवाल का आंसर इस वीडियो में छुपा हुआ हो। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी। इसको हम कैसे पहचाने, इसी विषय पर आज का वीडियो है कि प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज अगर हेल्दी है तो वो आपकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज अनहेल्दी है तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है। उससे प्री टर्म लेबर का रिस्क बढ़ सकता है। तो हम इसे पहचाने कैसे, डिफ्रेंसिएशन कैसे करें ताकि आप सुरक्षा के उपाय कर सकें, काफ़ी हद तक आप उससे बचाव कर सकती हैं खुद से। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में सिम्टम अगर आपको परेशान कर रहे हैं तब आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। आइए देखते हैं कैसा डिस्चार्ज हेल्दी माना जाता है। फ्रेंड्स, डिस्चार्ज के पीछे की हम बायोलॉजी को समझते हैं कि प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज हेल्दी क्यों होता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में पानी जैसा हल्का स्लिपरी, जब आप दो फिंगर्स के बीच में उस डिस्चार्ज को लेके टच करके देखेंगे तो आपको वो स्लिपरी फील होगा, चिकना सा फील होगा, हल्का वाइट भी हो सकता है, वॉटरी भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई बैड स्मेल नहीं आ रही, अगर आपको कोई इचिंग नहीं हो रही तो ये बिल्कुल हेल्दी डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज आपके शरीर में बढ़े हुए प्रोजेस्टेरोन के लेवल को दर्शाता है। बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन आपकी यूट्रस में, सर्विक्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो सर्विक्स से डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ये डिस्चार्ज आपकी यूट्रस के अंदर यानी कि सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह से, वजाइना के माध्यम से बच्चेदानी के मुंह होते हुए इन्फेक्शंस आपकी यूट्रस में एंटर कर सकते हैं, बच्चे को हार्म कर सकते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा रची गई टेक्निक है, विधि है कि सर्विक्स से डिस्चार्ज आता है जो कि अनहेल्दी जो भी फॉरेन एलिमेंट होते हैं उनको डिस्चार्ज के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है और आपका गर्भ सुरक्षित रहता है। बट अगर आपको गलत तरह से डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि हल्का पीलापन लिए, दही के जैसा, फटे दूध के जैसा हल्का हरापन लिए डिस्चार्ज आ रहा है, साथ ही कुछ फॉल स्मेल, अगर आपको फीवरिश महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, अगर आपको दाने महसूस हो रहे हैं, अगर आपको हल्की रेडनेस, स्वेलिंग महसूस हो रही है, पेशाब करने में जलन महसूस हो रही है, तो ये सारे लक्षण हैं अनहेल्दी डिस्चार्ज के और आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा डेंजर में डाल देता है। तो अगर आप इससे बचना चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके साथ ये कंडीशन है और बहुत ज़्यादा है तब आपको क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इससे बचने के लिए क्या उपाय करें। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना होगा। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए जिससे कि आप इन्फेक्शन से बचे रह सके। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। कई बार पानी की कमी से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डेली एक कटोरी दही अपने लंच में जरूर शामिल करें। एक खट्टा फल आप जरूर लें। अपने अंडरगार्मेंट्स को साफ रखें, हाइजीन मेंटेन करें। वॉशरूम के बाद अपने लोअर बॉडी पार्ट्स को वॉश जरूर करें। पानी का जेट बॉडी के अंदर तक ना डालें, इससे हेल्दी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको हल्का हल्का इन्फेक्शन पता चल रहा है और आप नहीं चाहते कि डॉक्टर के पास जाएं, तो आप अजवाइन उबाला हुआ पानी अपने वॉशरूम के टाइम वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन एक बहुत ही पोटेंशियल एंटीबैक्टीरियल है जो कि इन्फेक्शंस को दूर करने में सक्षम है। इसके अलावा आप कोल्ड प्रेस विधि से बना कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ड्राई करने के बाद अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आपको अगर इन्फेक्शन का डर लगता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, आपको उसे सुरक्षित रखना है और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलके आपको जल्दी सलाह लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको ज़रूर मदद करेगी। इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube मॉम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। टेक केयर, बाय बाय।